जोधपुर के दशहरा मैदान में आज बूथ सम्मेलन होगा, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। ज्यादा जानकारी के लिए जैसलमेर से संवाददाता प्रवीण आचार्य मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा है, जैसलमेर में बीएसएफ अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की, क्या कुछ कार्यक्रम जैसलमेर में उनके प्रस्तावित हैं? जी बिल्कुल दीपिका, आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान में है, और बात करें तो कल देर शाम जो है जैसलमेर पहुंचने के बाद उनका जो है एयरपोर्ट पर जैसलमेर के विभिन्न अधिकारी, बीएसएफ के डीजी पंकज सिंह, वो भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा जो है वो अगवानी की गई। वहीं अगर बात करें तो उसके बाद वो वहां से डाबला में स्थित सेक्टर हेडक्वार्टर साउथ का है, वहां पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया, और इसी दौरान उनके द्वारा अधिकारियों से जो है सीमा पर विभिन्न गतिविधियों को लेकर, वो उनके कार्यालय को लेकर जो है वो बातचीत की। अगर बात करें तो आज सवेरे का कार्यक्रम उनका जो है माता तनोट के दर्शन का है, वहीं पर जो है उनके द्वारा 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। वहीं करीबन 18 करोड़ की लागत से जो विकास कार्य बीएसएफ के द्वारा किए गए हैं उसका भी शिलान्यास जो है वो अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो है वहीं से वो जो है वो जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, और वहां से जो है उनके द्वारा जो है वो जोधपुर जो की रावण का चबूतरा में उनका जो कार्यक्रम है ओबीसी प्रकोष्ठ की जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का, उसमें जो है वो अपना राजनीतिक जो उनका कार्यक्रम है उसमें वो शरीक होंगे। जी दीपिका। जी प्रवीण, जैसे कि आपने बताया अमित शाह का दौरा राजस्थान दौरा काफी खास है, और ऐसे में वो जैसलमेर रुके हैं, जैसलमेर में भी उनके कई कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है। अब ऐसे में क्या कुछ खास उनके इस दौरे को लेकर माना जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री वो है और जैसलमेर के दौरे पर वो है, तो कुछ महत्वपूर्ण उनके दौरे को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री होने के चलते तो बीएसएफ के विभिन्न कार्यक्रमों में आज उनका जो है वो शरीक होना है। उससे पहले उनके द्वारा जो है तनोट माता के दर्शन जो किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि विगत एक साल में उनके द्वारा जो है ये दूसरा जो है जैसलमेर का दौरा है। पहले जैसलमेर में उनके द्वारा बीएसएफ स्थापना दिवस था, उस दौरान जो है वो शरीक हुए थे। उसके बाद जो है दोबारा उनका यहाँ आना, कहीं ना कहीं सीमावर्ती इलाकों में जो गतिविधियां होती है उसको लेकर फीडबैक लेने का रहा होगा। कहीं ना कहीं बीएसएफ की अग्रिम जो सीमा चौकियां है उसमें जो गतिविधियां, जो सुरक्षा को लेकर जो चाक चौबंद व्यवस्था है उसको लेकर भी फीडबैक लेने का उनका रहा होगा। वही अगर आपको बात करें तो उसके बाद अगर बात करें तो उनके द्वारा राजनीतिक निशाना साधने का पूर्ण प्रयास है। कहीं ना कहीं जोधपुर में होने वाली ओबीसी प्रकोष्ठ की जो ये बैठक है उसमें जैसलमेर से लेकर जोधपुर संभाग के जो भी ओबीसी मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने का भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है और इसको लेकर जो है उनका राजस्थान की पश्चिमी, अगर बात करें राजस्थान की, तो पहले भी बीजेपी को इस क्षेत्र में मात मिली थी, और उसी को लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अमित शाह एक बार से अपनी जो है चुनावी बेचैनी को पार करने के लिए वो यहाँ पर अपनी बात करें तो 2023 का बिगुल बजाने वाले हैं। जी रीतिका। चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अमित शाह का राजस्थान दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं, जैसलमेर में बीएसएफ अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की, आज जैसलमेर से वो जोधपुर जाएंगे। जोधपुर में भाजपा नेता और कार्यकर्ता उनका जगह जगह स्वागत करेंगे। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में वो शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे दशहरा मैदान में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शनिवार शाम 4 बजे वापस दिल्ली रवाना होने का उनका कार्यक्रम है।
बीजेपी अब मारवाड़ में ओबीसी वोटर साथेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जैसलमेर जोधपुर दौरा है और अमित शाह मारवाड़ की 43 सीटों को साधेंगे। जोधपुर, नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर की 29 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में इनमें से 5 सीट भाजपा को मिली थी। गोडवाड़ की 14 सीटों में से 11 सीटें भाजपा को मिली थी। ओबीसी राजनीतिक दलों के लिए बड़ा फैक्टर बनकर उभर सकता है। वर्ष 2014 के बाद से भाजपा ने पीएम मोदी के सहारे इस वर्ग को साधने सफलता हासिल की थी। इसके बाद से ही भाजपा ओबीसी वर्ग को पार्टी से जोड़कर रखने का प्रयास कर रही है।